हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल बीरू के प्रेडिक्शन में। तो दोस्तों, आज हम बात करने वाले इस मैच का सब अपडेट्स, एनालिसिस, टॉस प्रेडिक्शन और की प्लेयर्स के बारे में। तो दोस्तों, वीडियो काफी इंटरेस्टिंग होगा, वीडियो के लास्ट तक जरूर बने रहे। तो बात करते हैं, 10 जनवरी से स्टार्ट हो रहा है साउथ अफ्रीका का प्रीमियर लीग एससी टी20, जहाँ पे पिछले साल शुरू हुआ यह टूर्नामेंट इस बार सेशन 2 है। इस लीग में टोटल 6 टीम्स खेलेंगे और सभी के सभी टीम्स आईपीएल टीम्स के ही फ्रेंचाइजी है। पिछले साल जहाँ पे सनराइजर्स ईस्टर्न कैप जो कि टूर्नामेंट की चैंपियन बनी थी। तो बात करते हैं टूर्नामेंट के पहले मैच की, जिसमें लास्ट ईयर की दोनों फाइनल टीम्स जो कि आमने सामने भिड़ेगी, जहाँ पे एक तरफ एडम मक्राम की ईस्टर्न कैप है तो वहीं दूसरी तरफ फैब डुप्लेसिस की जोबर सुपर किंग्स है। यह मैच 10 जनवरी को एसटी जॉर्ज पार्क में खेला जाएगा। वहीं अगर वेदर रिपोर्ट की बात करें तो मैच के थोड़ी सी मौसम गड़बड़ हो सकती है और बारिश की संभावना है। ह्यूमिडिटी 84% रहेगा और टेम्परेचर 20 डिग्री सेल्सियस रहेगा। पिच फास्ट बॉलर के लिए अनुकूल होगी। पिच ऐसी है कि जहाँ पे बैट्समैन को प्रॉब्लम क्रिएट कर सकती है, सतह में गति और उछाल प्रदान करेगी। वहीं अगर विनिंग परसेंटेज की बात करें तो जहाँ पे बैटिंग फर्स्ट का यहाँ पे 39% जीतने का चांस है और बॉलिंग फर्स्ट का यहाँ पे 61% जीतने का चांस है। अगर पिच रिपोर्ट की बात करें तो फर्स्ट इनिंग का एवरेज स्कोर 148 है, वहीं सेकंड इनिंग का एवरेज स्कोर 136 है। अब बात करते हैं दोनों टीमों का हेड टू हेड चेक करते हैं, जहाँ पे सनराइजर्स ईस्टर्न कैप एक मैच जीत के आ रही है तो वहीं जोबर सुपर किंग्स 2 मैच जीत के आ रही है। अब बात करते हैं सुपर किंग्स का शॉट एनालिसिस करते हैं, जहाँ पे जोबर सुपर किंग्स ने फिर से प्लेयर का एक स्ट्रॉन्ग स्क्वाड लेकर आया है, जिसको लीड करेंगे दक्षिण अफ्रीका के पूर्व कप्तान फैब डुप्लेसिस करेंगे। यह दमदार ओपनर टॉप 3 में शामिल होगा, जिसमें दक्षिण अफ्रीका के ओपनर रिजा हैंड्रिक्स और इंग्लैंड के मोइन अली भी शामिल है। क्विक वाइज और रोमारियो शेफर्ड और ग्रेहल कोर्जी के रूप में सुपर किंग्स के पास बहुत सारे बड़े हिट ऑलराउंडर है। अगर टॉप ऑर्डर फेल हो जाता है तो उन्हें स्टेबली मिल सकता है। वहीं बॉलिंग अटैक का लीड करेंगे दक्षिण अफ्रीका के नवीनतम फास्ट बॉलिंग सनसनी नांद्रे बर्गर, जो कि रोमानियो शेफर्ड सफेद गेंद की बॉलिंग में एक्सपर्ट है। उनके डेथ ओवर बॉलिंग देखने लायक होंगे ग्रेहल कोर्जी, जो टीम के सुपरस्टार बॉलर है। अब बात करते हैं इनके प्लेइंग 11 देखते हैं, जहाँ पे फैब डुप्लेसिस है, रिजा हैंड्रिक्स है, मोइन अली, लुइस डोफ्लोपी, रोनान हरमोन, डेविस वाइस, रोमानियो शेफर्ड, ग्रेहल कोर्जी, नांद्रे बर्गर और एरन फ्रांगिसो अलीजार्ड विलियम्स। अब बात करते हैं इनके कुछ की प्लेयर देखते हैं, जहाँ पे फैब डुप्लेसिस है, ग्रेहल कोर्जी और नांद्रे बर्गर है। अब बात करते हैं दूसरी टीम ईस्टर्न कैप का शॉट एनालिसिस करते हैं, जहाँ पे टीम लास्ट ईयर अपने पहले ही सेशन में चैंपियन बनी थी और फाइनल में सुपर किंग्स को ही हराया था। टीम के कैप्टन जहाँ पे एडन मार्करम सभी फॉर्म में है। दक्षिण अफ्रीका के कप्तान तेम्बा बम्मा जो फिट होने की उम्मीद नहीं है, क्योंकि वे हेड मिस्ट्रिंग चोट के कारण भारत के साथ दूसरा टेस्ट नहीं खेल पाए थे। ओपनिंग में जहाँ पे डेविड मालन है, फिनिशिंग में टीम के स्टार ट्रिस्टन स्टब है, बॉल के साथ मार्को जॉनसन, सनराइजर के ट्रम्प कार्ड है, वो भी सभी के लिए सबसे बड़ा खतरा हो सकता है। साइमर हामर जो इस गेम में अपने ऑफ स्पिनिंग में लीड करेंगे। अब बात करते हैं इनके प्लेइंग 11 देखते हैं, एडम मक्राम है, सरल एरवी है, डेविड मलन, एडम रॉसिंगटन, ट्रिस्टन स्टब्स है, टॉम एबेल, बियर स्वप्नियोल, मार्को जॉनसन, सिमरन हार्मर, सिसंदा मंगला और कैलिप सिलेक्सा है। तो फाइनली दोस्तों, हमने हर एक चीज पे डिस्कशन कर लिया, अगर बढ़ते हैं चलते विनर के अकॉर्डिंग। तो हमारे अकॉर्डिंग आज का मैच विनर होगा ईस्टर्न कैप, यहाँ पे जोबर सुपर किंग्स को हार मिल सकती है। तो ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो के लिए हमारे चैनल के साथ बने रहे, हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट में बताएं कि हमारा वीडियो कैसा लगा। ओके दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट के साथ।